हेलो दोस्त, एक मुझ पे आरोप रख गया है। उसके बारे में पहले बता दूं, लोग कह रहे हैं कि मैं किसी कम्युनिटी का फेवर नहीं कर रहा और किसी का डिसफेवर कर रहा हूँ। हालांकि ये वो कह रहे हैं जो पेपर कटिंग में विश्वास रखते हैं और वही वाले हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो अभी ABCD भी नहीं पता था कि कितने OBC के हैं, कितने SC के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जब तक आपकी मुंबई सेंट्रल रेलवे का रिजल्ट नहीं आया था और पटना हाजीपुर का। उससे 4 महीने पहले से मैं जो लगा हूँ डाटा में, उसमें हर कम्युनिटी का डाटा एग्जैक्ट बता के मैं बता रहा था कि OBC कितने क्वालिफाई है और किसको दिक्कत होने वाला है, डबल लॉस OBC को होने वाला है या SC को होने वाला है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है, जो आजकल के बच्चे आज ABCD हमें सिखा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं किसी भी कम्युनिटी के डिसफेवर और फेवर में नहीं हूँ। जो एक्चुअली कंडीशन है उस पर हम बात करते हैं, ना कि पेपर कटिंग पे। ये मेरा अपना पक्ष है, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या समझते हैं आपके ऊपर है। उसके बाद दूसरा एक और आरोप लग रहा है जो टेक्निकल है, लोगों का जवाब भी सही है, क्वेश्चन भी सही है। ग्रुप डी में रिजल्ट में CC और PWD को ही OBC और SC से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना था, तो PT में 3 गुना क्यों बुलाया? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, जिससे कटअप बढ़ गया और कंपटीशन ज़्यादा हो गया। तो मैं बोलूँगा शायद ये अभी भी उन लोगों को, अभी 2-4 दिन मैं वीडियो बना लूँगा, 2-4 तो समझ में आएगा कि 3 गुना कैंडिडेट नहीं लिया है पूरी वैकेंसी का। हर RRC ने CCA के जितने कैंडिडेट क्वालिफाई थे उतना घटा के ही रिजल्ट लिया है 3 गुना में। ये जिनको डाटा नहीं देखने आता उनको पता नहीं होता, वो पेपर कटिंग में कुछ भी बोल दे, आपको क्या समझ में आएगा टेक्निकली? तो चलिए टेक्निकली दिखाते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। और दूसरा एक बात करेंगे, लोगों का सराहनीय कदम जो नॉर्दर्न रेलवे के स्टूडेंट के लिए अच्छा काम किया है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे कुछ लोगों ने शेयर किया है, वो उनकी डाटा है, लेकिन अब ये पब्लिक में आ चुका है क्योंकि इन्होंने डाल दिया उत्तर रेलवे महाप्रबंधक बड़ौता हाउस को। इन्होंने बोला है कि कम्युनिटी वाइज डाटा दीजिए, जैसा कि PT क्वालिफाई कैंडिडेट का भी दीजिए। केवल इन्होंने बताया था कि 63% कैंडिडेट क्वालिफाई है, ये लिस्ट मांग रहे हैं और साथ में मांग रहे हैं कैटेगरी वाइज डाटा भी जारी करें। बाकी कहानी लिखी है, बहुत लोगों ने अपना मिल के वहाँ गए और जाके उन्होंने डिमांड दिया है। ये एकदम बिल्कुल टेक्निकली सही तरीका है अपनी डिमांड रखने का, और ये हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को इसके लिए किसी दूसरे पे आरोप लगाना चाहिए कि वो नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। जो कैंडिडेट नज़दीक में रहता है, सक्षम है, उनको कोई टेक्निकल इशू है, तो या तो RRC जाइए, मेल कीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध साधन है वो कर सकते हैं। बस आपको टेक्निकल डाटा देना है, टेक्निकल बारे में पूछना है, बाकी इधर उधर की बातें नहीं करनी। चलिए उसके बाद, जैसे ही हम तो शुरू में ही बोल चुके थे कि RRC को हर कम्युनिटी के वाइज डिटेल देनी चाहिए, कितने किस मेरिट में पास हुए हैं ये भी देना चाहिए, जिससे क्या होगा, लोगों में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सिलेक्शन उतना ही का होगा, कटअप बढ़े या घटे बाद की बात है, सिलेक्शन उतना ही का होगा जितना वैकेंसी है, और जो रूल कहता है उसी के हिसाब से होगा, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब लोगों का सवाल है कि CCA में 20% केवल OBC में देना था, बाकी क्या क्यों दिया? तो इसके लिए तो रूल मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि ये रेलवे बोर्ड के अधिकार में आता है, RRC कुछ नहीं इस पे करेगा। RRC उसको केवल फॉरवर्ड कर सकता है कि लोगों की ऐसी डिमांड आ रही है कि OBC में 20% से ज़्यादा क्यों रिजर्वेशन दिया। ये भी आप मेल कर सकते हैं, कई लोगों ने मेल किया है और डॉक्यूमेंट किया है, और कई सारे मुद्दे पे जो सोशल मीडिया पे उठती है उसका संज्ञान ऑटोमेटिक रेलवे लेता है, क्योंकि उसी के आधार पे मेल की संख्या बढ़ती जाती है, ये फैक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कम्युनिटी वाइज डाटा की बात जो थी उसको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, इसको एक मिनट इससे हम बंद करते हैं ये वाला। उसके बाद आपको कोई सी भी RRC खोल लीजिए, कोलकाता का मैंने एनालिसिस किया था, और हालांकि आपने तो पेपर कटिंग देखा होगा तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो कैंडिडेट अगर इस चैनल पे विश्वास करते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने शुरू से ही बोला था कि अगर टोटल कैंडिडेट 10,639 वैकेंसी है, 3 गुना PT में लेने होते तो 31,917 कैंडिडेट को लेते, लेकिन इन्होंने लिया कितना था, 26,476। यानी पहले ही सिंपल सी बात में कह दे कि ये 3 गुना नहीं लेके जितने CCA कैंडिडेट और PWD थे जिनका PT नहीं था उतना पहले ही कम कर रखे थे, जिससे कितने 5400 कम लोगों को कॉल किया था। 3 गुना कॉल करते तो 5441 कैंडिडेट होते। उसी तरह हर कम्युनिटी का मैंने 3 गुना करके आपको पहले ही दिखा दिया, देखिए सब में 3 गुना मैंने किया है। उस 3 गुना से कैंडिडेट कहीं ज़्यादा कहीं कम भी दिखेगा, कम कहाँ दिखेगा, यूआर में 13,000 जाने थे, 3600 लोग ही गए थे, लेकिन बाकी जो ये ज़्यादा कैंडिडेट जिस कम्युनिटी में है वो समझिए वो किस में क्वालिफाई हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई है, यही तो कंसेप्ट हमने आपको बताया था। तो
तो समझेंगे नहीं, वीडियो देखेंगे नहीं, अपने आप बोलेंगे तो हमें क्या पता कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, कौन से मंजिल से कूद रहे हैं, हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा। उसके बाद हमने सीआर रेलवे का देखिए, हर आरआरसी में मैंने यही पैटर्न आपको बताया था कि सीसीए के पोस्ट छोड़ के आरआरबी ने क्या किया है, उतना ही कैंडिडेट को कॉल किया। जैसे यहाँ पे देखिए, मुंबई में 9345 कैंडिडेट को लेना था, भर्ती पूरी लेनी थी 28,035, इसके तीन गुना होते हैं, बुलाया था 21,813, यानी 6200 कैंडिडेट कम बुलाया था। तो 6200 को आप देखिएगा, 1990 कैंडिडेट क्वालिफाई थे, किसमें आपने डाटा देखा है, हमने भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे सीसीए का देखिए, 1990 और सीसीए और पीडब्ल्यूडी के मिला के थे, तो ये क्या किया, 1990 को आप तीन से गुना कर देंगे तो करीब करीब यह संख्या कितनी आती है, 6000 के आसपास आती है। और 6000 को कैंडिडेट को इन्होंने 6200 को नहीं बुलाया था, यानी हर कम्युनिटी से पहले ही छाट दिया था कि आपको पीटी में नहीं आप बुला रहे हैं उतने कैंडिडेट को, जितना सीसीए वाले क्वालिफाई हो गए हैं, इनकी डाटा उनके पास पहले से थी। वैसे ही कोई सीआरआरसी का मेरा एनालिसिस ले लीजिए, जिसको पोथी आप कहते हैं, मैं ईसीआर का ले लेता हूँ। ईसीआर में भी देखिए कोई से भी आरआरसी आप देख लीजिएगा, आपको आपके पास डाटा भी होगा, पीडीएफ भी होगा, प्रीवियस रेफरेंस वीडियो भी होगा। तो यहाँ पे देखिए, 3563 कैंडिडेट के अगेंस्ट लेना चाहते तो ये 10689 लेते, ले थे 9400 भी, यानी 1191 कैंडिडेट कम लिए थे, क्योंकि सीसी और पीडब्ल्यूडी के अकाउंट में जो कैंडिडेट थे उनको इन्होंने कम कर दिया और उतना ही पीटी में बुलाया। हालांकि एक सर्विसमैन कम क्वालिफाई थे तो नॉर्मल कैंडिडेट को ज़्यादा क्वालिफाई करा दिया, यानी तीन गुना प्रॉपर लिया है घटाने के बाद। ऐसे ही कोई और आरआरसी देख लीजिए, ये मैं एक एग्जांपल नहीं दिलाता हूँ, हाँ इलाहाबाद देख लीजिए, हर आरआरसी में इन्होंने पूरे कैंडिडेट को नहीं बुलाया है, यानी तीन गुना कैंडिडेट नहीं बुलाया है, सीसीए को घटा के बुलाया है। वैसे ही जिसमें ओबीसी में ज़्यादा थे तो ओबीसी के कैंडिडेट को कम बुलाया है, नहीं तो ओबीसी में और कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते और जिसके कारण से और बहुत ज़्यादा इशू आ जाती। और इसी को एनालिसिस करने के लिए हमने ये डाटा बनाया था। देखिए, इलाहाबाद में 4730 वैकेंसी के अगेंस्ट इन्होंने जो कॉल किया था वो किया था 13202, जबकि 14190 बनता था, तो 988 कहे थे, यानी यहाँ पे सीसीए के हिसाब से 988 कैंडिडेट को कम बुलाया था, ये एकदम बिल्कुल फैक्ट है। इसी तरह और कोई आरआरसी देख लीजिए, मैं 16 आरआरसी का दिखा दूंगा, चेन्नई में देख लीजिए, चेन्नई में भी वही डाटा है, सब जगह का डाटा। मैंने ये जरूर कंसेप्ट में कंसीडर किया था, ऐसा नहीं है कि मैंने कंसीडर छोड़ दिया था कि ये वैकेंसी में गड़बड़ होगी। तो यहाँ पे देखिए 9579 पोस्ट है, 28000 डायरेक्ट, तीन गुना से कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट जाते, लेकिन बुलाया था 23463, यानी 5262 कैंडिडेट को कम बुलाया था, जो सीसीए और पीडब्ल्यूडी के अकाउंट पे पीटी में नहीं जाने थे तो उनको ऑलरेडी कम बुलाया था। तो आपको ओबीसी में ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं कि आपको ये डाटा नहीं दिख रहा है, जो पेपर कटिंग में नहीं मिलेगा, कि ये 4524 कैंडिडेट हैं वो यूआर में हैं, क्योंकि यूआर में जो कैंडिडेट लेने थे वो 10000 कम बुलाया है, तो बाकी कम्युनिटी वाले तो जाएंगे और 10000 टोटल वैकेंसी पे है और उसमें सीसीए क्वालिफाई कर जाते तो वो कम हो जाता थोड़ा बहुत डाटा। यानी कुल मिला के सभी कम्युनिटी में तीन गुना कैंडिडेट बुलाए हैं सीसीए वैकेंसी घटाने के बाद। और ये टेक्निकल एनालिसिस है, हालांकि बहुत लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, और अगर समझ में आ गया मैं बता रहा हूँ तो ग्रुप डी की नौकरी बहुत दिन नहीं करेंगे वो कैंडिडेट, हो सकता है लेवल 5, लेवल 6, लेवल 4, लेवल 2 या एसएससी या बैंकिंग या कहीं ना कहीं वो ट्राई करेंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जिनको समझ ही नहीं आ रहा है तो वो तो ग्रुप डी ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।